हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पिक्चर अभी बाकी है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि हम वीडियो कितने भी अच्छे बना ले, जब तक आप उसे लाइक नहीं करेंगे तब तक यूट्यूब हमारे वीडियो को और लोगों को सजेस्ट नहीं करेगा। इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है। तो दोस्तों, आज की हमारी मूवी है मीटिंग एविल, और ये मूवी एक सस्पेंस थ्रिलर मिस्ट्री मूवी है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक जॉन नाम के आदमी को दिखाया जाता है। जॉन अपनी कार से कहीं से आ रहा था, और जॉन के चेहरे को देखकर हमें लगता है कि वो किसी बात को लेकर परेशान है, और वो अपने घर के बाहर अपनी गाड़ी रोकता है। तभी उसके घर के अंदर से एक आदमी बाहर आता है, और जॉन उससे कहता है, सॉरी मैं पिछले महीने तुम्हें पेमेंट नहीं दे पाया। यह सुनकर पीटर कहता है, कोई बात नहीं, हमारा हिसाब किताब बराबर हो चुका है, और वह हंसते हुए वहां से चला जाता है। और वो कार से उतर कर अपने घर का पोस्ट बॉक्स चेक करता है, तो उसमें जॉन को कई सारे नोटिस मिलते है, और ये नोटिस जॉन को बैंक के लोन का भुगतान ना करने के कारण मिले थे। जॉन उन सारे नोटिस को देखता है और उन्हें डस्टबिन में फेंकते हुए घर के अंदर जाने लगता है। और ये सारे घटनाक्रम को देखकर हमें पता चलता है जॉन के ऊपर बहुत कर्जा था। जॉन अपने घर के अंदर आता है और वो अपने बच्चों और बीबी को आवाज देता है, पर उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तब जॉन टेबल पर अपना वॉलेट, की और सेल फोन सब कुछ रख देता है, और वो परेशान होकर ड्रिंक करने लगता है। तभी टेबल के पीछे से जॉन की वाइफ और उसके बच्चे बाहर निकलते हैं, और ये देखकर जॉन डरकर ड्रिंक का गिलास छोड़ देता है, और वो अपनी पत्नी और बच्चों पर गुस्सा करता है जो कि उसे बर्थडे विश कर रहे थे। आगे जॉन को अपनी गलती का एहसास होता है, और वो अपने बच्चों से सॉरी कहता है और उन्हें रूम में जाने के लिए कहता है। जॉन की वाइफ जॉनी जॉन के सामने केक रखती है, और वो पूछती है, तुमने ये घर बेचा तो नहीं? जॉन कहता है, अभी तक तो नहीं, पर जल्द ही मैं इसे बेच दूंगा। ये सुनकर जॉनी थोड़ा निराश होती है, और वो कहती है, तो तुमने ये रास्ता खोजा है। तब जॉन कहता है, जॉनी क्या तुम्हें अंदाजा है कि मैं किस आर्थिक तंगी से इस वक्त गुजर रहा हूँ? मैं हर वो कोशिश कर रहा हूँ जिससे हम मुश्किलों से निकल सके। जॉनी कहती है, पर तुम्हारी ये कोशिशें नाकाफी है, मैं बच्चों को बाहर ले जा रही हूँ। और ऐसा कहकर जॉनी अपने बच्चों को घर से लेकर चली जाती है। जॉनी के जाने के बाद जॉन अपने घर के पीछे के दरवाजे से बाहर निकलता है, और जॉन अपने घर के पुल को देखने लगता है जिसका काम अभी भी अधूरा था। तभी जॉन के घर की डोर बेल बजती है। जॉन दरवाजा खोलता है तो उसके घर के बाहर एक आदमी खड़ा था। वो आदमी अपना नाम रिची बताता है, और रिची जॉन से कहता है, मेरी गाड़ी तुम्हारे घर के बाहर आकर बंद हो गई है, क्या तुम उसे थोड़ा धक्का मार दोगे? यह सुनकर जॉन रिची की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, और रिची गाड़ी में बैठता है, और जॉन उसकी गाड़ी को धक्का मारता है। और जैसे ही रिची कार को एक्सीलेटर देता है, गाड़ी के साइलेंसर से आग बाहर निकलती है, जिसके कारण जॉन का पांव जल जाता है और वो घायल हो जाता है। रिची ने जॉन के साथ ये सब जानबूझकर किया था। जॉन रिची पर चिल्लाने लगता है, तभी रिची अपनी गाड़ी से उतरता है, और वो अपनी गाड़ी की डिक्की खोलता है, और अपने पीछे एक गन लेकर जॉन की तरफ बढ़ने लगता है उसे मारने के लिए। तभी रिची को पार्क में खड़ी एक बच्ची दिखाई देती है, और रिची उस बच्ची को देखकर अपनी गन वापस रख लेता है। जॉन रिची पर गुस्सा करता है, तो रिची जॉन को शांत करता है, और रिची जॉन को अपने साथ हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है। रिची के जिद करने पर जॉन रिची की गाड़ी में बैठ जाता है, और गाड़ी में रिची जॉन से माफी मांगता है। इस पर जॉन कहता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। आगे रिची जॉन के कामकाज के बारे में पूछने लगता है, और जॉन रिची को बताता है कि वो रियल एस्टेट में काम करता है, पर वो उस काम से खुश नहीं है क्योंकि यहाँ पर रैकेट चलते हैं। ये सारी बातें करते हुए रिची अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है, और वो जॉन को उस कार की खूबियां बताने लगता है। जॉन थोड़ा डर रहा था, पर वो रिची के पागलपन को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहा था। आगे रिची अपनी गाड़ी एक पेट्रोल पंप पर रोकता है, और वहां पर रिची जॉन से कहता है, मैं आशा करता हूँ तुम्हें मेरे साथ ड्राइव करने में मजा आया होगा। जॉन, तुम्हारा घर बहुत अच्छा है, और तुम्हारी एक सुंदर बेबी भी होगी, और तुम्हारे बच्चे भी होंगे जॉन। तभी जॉन को एक बात खटकती है, और वो रिची से पूछता है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? रिची कहता है, तुम्ही ने मुझे अपना नाम बताया था। तब जॉन को कुछ याद नहीं आता, और वो सोचता है शायद उसने नाम बताया होगा। तभी पेट्रोल पंप पर काम करने वाला लड़का रिची से पेमेंट मांगता है, और रिची उसे अपना कार्ड देता है। तब वो लड़का रिची से उसका आईडी कार्ड मांगता है, और रिची उस बात को लेकर उस लड़के पर गुस्सा करता है। तब वो लड़का कहता है, ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है, इसलिए हमें कार्ड मांगना पड़ता है, आप केबिन में जाकर मैनेजर को पेमेंट कर सकते हो। रिची उस पेट्रोल पंप के ऑफिस में पेमेंट करने जाता है, तभी जॉन की नजर कार के पास में पेट्रोल भर रहे एक आदमी पर पड़ती है,
और जॉन गाड़ी के शीशे में गैस स्टेशन के अंदर होने वाली हलचल को देखने लगता है। तभी जॉन की नजर पेट्रोल भर रहे उस आदमी की तरफ भी पड़ती है, पर वो आदमी वहाँ पर नहीं था और पेट्रोल पाइप नीचे पड़ा हुआ था। ये सब जॉन को बहुत अजीब लगता है। तभी कार में गैस स्टेशन से वापस रिची आ जाता है और जॉन रिची से पूछता है, क्या वहाँ पर कुछ हुआ है? रिची कहता है, चिंता की कोई बात नहीं, मैंने पेमेंट कर दिया है। आगे रिची पेट्रोल पंप से गाड़ी लेकर निकल जाता है। रास्ते में जॉन रिची से कहता है, हॉस्पिटल तो पीछे रह गया, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तुम मुझे मेरे घर पर छोड़ दो। पर रिची जॉन की बात को नहीं मानता और वो उसे अपने साथ एक ड्रिंक करने के लिए फोर्स करने लगता है। जॉन को कुछ समझ नहीं आता कि रिची ऐसा क्यों कर रहा है और रिची अपनी गाड़ी एक बार के बाहर रोकता है और वहाँ पर नो पार्किंग का बोर्ड लगा था। जॉन रिची से कहता है, तुम अपनी गाड़ी यहाँ पर नहीं खड़ी कर सकते, इसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है। रिची कहता है, कोई बात नहीं, मैं सब निपट लूंगा। रिची की ये बात सुनकर जॉन वहाँ से जाने लगता है और जॉन एक स्टोर पर जाता है जहाँ पर एक लेडी फोन पर बात कर रही होती है। जॉन उस लेडी से कहता है, मैं अपनी वाइफ को एक कॉल करना चाहता हूँ पर मेरे पास अपना वॉलेट नहीं है, क्या आप मुझे एक कॉल करने दोगी? लेकिन वो लेडी जॉन को पहले पेमेंट करने के लिए कहती है। जॉन कॉल करने के लिए फोन उठाता है तो वो लेडी भी जॉन के सामने डंडा उठा लेती है। जॉन फोन रख के वहाँ से चला जाता है। आगे जॉन मदद के लिए उस बार में जाता है और काउंटर पर बैठे आदमी से फोन यूज करने की परमिशन मांगता है तो वो आदमी फोन की तरफ इशारा करके उसे परमिशन दे देता है। जॉन फोन यूज करने जाने लगता है तभी रास्ते में उससे एक आदमी टकरा जाता है और वो जॉन पर बियर गिरा देता है। उस आदमी का नाम ट्रेवर होता है और वो जॉन के साथ ही काम करता था और ट्रेवर बातों ही बातों में जॉन की हालत को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगता है। जॉन ट्रेवर की बातों को सुनता हुआ फोन करने जाता है तो वहाँ पर केबिन में रिची बैठा होता है और वो जॉन से कहता है, मुझे पता था जॉन तुम वापस जल्दी आओगे, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाना चाहता था, मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता था। ये सुनकर जॉन कहता है, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम चिंता करो उस मोटी लेडी की जो उस फोन बूथ पर बैठी थी, जिसने मुझसे बदतमीजी से बात की, और मेरे बॉस ट्रेवर की, जिसने मुझ पर बियर गिराई और मेरा मजाक उड़ाया। जॉन अपनी वाइफ को कॉल करता है पर उसकी बात उसकी वाइफ से नहीं हो पाती। तब जॉन वहाँ से जाने लगता है और रिची को उसका पीछा छोड़ने के लिए कहता है। जॉन के जाने के बाद रिची जॉन का मजाक उड़ाने वाले ट्रेवर की तरफ गुस्से से देखता है। जॉन वॉशरूम जाकर वापस आता है तो वो देखता है रिची अब वहाँ पर नहीं था और ट्रेवर भी उसे बार में कहीं दिखाई नहीं दे रहा था जो जॉन का मजाक उड़ा रहा था। तब वहीं जॉन को टैमी नजर आती है जो कि डांस कर रही थी और वो जॉन की दोस्त थी। टैमी जॉन को देखते ही उसे गले लगा लेती है और पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब जॉन कहता है, मुझे घर पर वापस जाने के लिए एक गाड़ी की जरूरत है। यह सुनकर टैमी जॉन को घर छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। जॉन घर पर जाने के लिए बार से बाहर आता है तो वो देखता है वहाँ पर बहुत सी पुलिस की गाड़ियाँ आ रही थी। तब वहाँ पर टैमी भी आ जाती है और वो अपनी गाड़ी का डोर ओपन करने लगती है। तभी वहाँ पर रिची आता है और वो जॉन को फोन शॉप वाली लेडी के बारे में बताता है और वो जॉन से कहता है, मुझे भी घर जाना है जॉन, क्या तुम मुझे इस गाड़ी में अपने घर छोड़ दोगे? मेरी कार को गलत जगह पार्क करने के कारण कुछ लोग उठाकर ले गए हैं। जब रिची जॉन और टैमी से बात कर रहा था तब उसने हाथ में डंडा छुपा रखा था और यह वही डंडा था जिससे वह फोन शॉप वाली लेडी जॉन को डरा रही थी। जॉन रिची को उस कार में ले जाने से मना करता है। तब टैमी जॉन से कहती है, अगर तुम इसे जानते हो तो हमें इसे घर छोड़ने में कोई एतराज नहीं। आगे जॉन कार को ड्राइव करता है। रिची कहता है, जॉन तुम गाड़ी बहुत ही स्लो ड्राइव करते हो। और रिची टैमी से अजीब तरह से बात करने लगता है, उसे छेड़ने लगता है। जॉन रिची को टैमी से इस तरह से बातें करने से मना करता है। तभी जॉन की गाड़ी के पीछे एक बड़ा ट्रक आता है और वो जॉन की गाड़ी को टक्कर मारता है। जॉन और टैमी को कुछ समझ नहीं आता कि वो ट्रक वाला ऐसा क्यों कर रहा है। रिची जॉन से कहता है, तुमने उस फोन बूथ वाली लेडी से झगड़ा किया था, इसलिए शायद उसका बॉयफ्रेंड तुम्हारा पीछा कर रहा है। यह सुनकर जॉन रिची से कहता है, तुमने उस लेडी के साथ क्या किया? रिची कहता है, मैंने बस उसे समझाया था, पर मेरा तरीका थोड़ा सा अलग था। उस ट्रक के आगे निकल जाने के बाद जॉन अपनी गाड़ी रोकता है और जॉन कार से बाहर निकलकर उस ट्रक वाले पर चिल्लाने लगता है। तब रिची ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार को स्टार्ट करता है। वो ट्रक वाला भी ट्रक से सरिया लेकर उतरता है और वो जॉन से कहता है, तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को मारा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी उस ड्राइवर के पीछे से रिची तेजी से अपनी गाड़ी लेकर आता है और वो गाड़ी से ड्राइवर का एक्सीडेंट कर देता है। टैमी गाड़ी से उतरती है और उस ड्राइवर को देखने लगती है। तब जॉन टैमी से कहता है, तुम्हारा फोन कहाँ पर है? टैमी कहती है, वो गाड़ी में है। जॉन टैमी का फोन ढूंढता है पर उसे उसका फोन नहीं मिलता। जॉन रिची पर गुस्सा करता है और उससे फोन के बारे में पूछता है। तब रिची कहता है, मुझे नहीं पता फोन कहाँ पर है।
और वो जॉन को और टेमी को अपने साथ चलने के लिए कहता है ताकि वो लोग कहीं पर पहुंचकर एम्बुलेंस को कॉल कर सके। दूसरी तरफ पेट्रोल पंप की शॉप पर जहां पर रिची पेमेंट देने अंदर गया था, वहां पर पुलिस को 9 लोगों की लाशें मिलती है। पुलिस हैरान होती है कि वहां पर उन्हें 9 लोगों की लाशें मिली पर कोई भी आई विटनेस नहीं मिला। तब वहां पर पुलिस ऑफिसर फ्रैंक कहते हैं किसी को ढूंढो जिसने कुछ देखा हो। तब उनके पास आकर लेडी पुलिस ऑफिसर कहती है हमें कोई मिला है। आगे जॉन और टेमी कॉल करने के लिए किसी के घर पर जाते हैं। जॉन घर में मदद के लिए आवाज लगाता है पर कोई भी जॉन की बात का जवाब नहीं देता। तब रिची दरवाजे को लात मारता है और वो घर के अंदर आ जाता है। जॉन की बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था तब जॉन भी घर के अंदर जाता है। जॉन वही रखा फोन यूज करने वाला होता है तभी उसके पास रिची आता है और जॉन रिची से कहता है देखो तुम जो कोई भी हो, तुम जो कुछ भी चाहते हो पर मैं पुलिस को सब कुछ सच सच बता दूंगा। यह सुनकर रिची हंसकर वहां से चला जाता है। जॉन पुलिस को फोन करने के लिए फोन उठाता है तभी उसे फोन पर किसी लेडी की आवाज सुनाई देती है। वो लेडी रो रही थी और वो लेडी पुलिस को बता रही थी कि हमारे घर पर कोई है और अचानक वो लेडी बात करना बंद कर देती है। तब दूसरी तरफ से पुलिस बोलती है मैम आपको क्या हुआ, आपके घर पर कौन है। जॉन पुलिस की आवाज सुन के कहता है क्या आप पुलिस हो, यहाँ पर रास्ते में खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है, हमें एम्बुलेंस चाहिए हाईवे 111 पर 20 माइल अंदर, नहीं तो वो आदमी मारा जाएगा। तब पुलिस ऑफिसर कहता है सर क्या आप आपका नाम बताएंगे। जॉन कहता है मेरा नाम जॉन फेल्टन है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ पर हाईवे 111 पर एक आदमी मरने वाला है, जल्दी से एम्बुलेंस भेजो। और तभी फोन की लाइन कट जाती है और जॉन को सामने वाले कमरे से कुछ आवाज भी आती है। जॉन समझ जाता है उस कमरे में वही लेडी थी जो पुलिस से बात कर रही थी और रिची भी उसी कमरे में गया था। जॉन आवाज लगाते हुए उस कमरे की तरफ जाता है तब रिची उस कमरे से बाहर आता है और वो जॉन से पूछता है क्या तुमने पुलिस को कॉल लगा लिया। जॉन डरता हुआ कहता है अंदर जो लेडी है क्या वो ठीक है, जब मैंने फोन उठाया था तब एक लेडी पुलिस से बात कर रही थी। तब रिची कुछ नहीं बोलता और वो वहां से बाहर निकल जाता है। रिची के जाने के बाद जॉन उस रूम में जाकर देखता है और वो सब देखकर जॉन भी घर के बाहर आ जाता है। तभी वहां पर घर के पीछे से एक बच्चा आता है और उस बच्चे के हाथ में गन होती है। तब रिची उस बच्चे के पास जाता है और उससे वो गन छीन लेता है और रिची उस बच्चे से कहता है मैं तुमको यहां से भागने का एक चांस दूंगा, अगर तुम नहीं भागे तो मैं तुम्हें तुम्हारी दादी के पास पहुंचा दूंगा। यह सुनकर वो बच्चा खेतों की तरफ भाग जाता है। तभी जॉन रिची को रोकने की कोशिश करता है तो रिची उस पर भी गन अड़ा देता है। तभी जॉन के पास टेमी आती है और वो रिची से कहती है हम तुमसे नहीं डरते। तब रिची टेमी को मारता है और वो बेहोश हो जाती है। आगे जॉन टेमी को घर के अंदर लाकर होश में लाने की कोशिश करता है और टेमी को होश आता है और तभी बाहर से पुलिस के सायरन की आवाज आती है। सायरन की आवाज सुनकर रिची जॉन को धमकी देता है कोई भी होशियारी मत करना नहीं तो तुम दोनों को मार दूंगा और रिची जॉन को वहीं रहने का बोलकर बाहर जाता है। तब जॉन रिची के टेबल पर पड़ी हुई गन उठा लेता है और वो टेमी को घर के पीछे की खिड़की से भागने के लिए कहता है। टेमी के भागने के बाद जॉन पुलिस ऑफिसर को इशारा करने की कोशिश करता है तभी रिची खिड़की पर गोली चलाता है। जॉन खिड़की के बाहर देखता है तो रिची ने उस पुलिस ऑफिसर को मार दिया था और ये देखकर जॉन भी पीछे वाली खिड़की से बाहर भागने लगता है और आगे जाकर जॉन टेमी से कहता है तुम उससे तेज दौड़ सकती हो इसलिए तुम शहर की तरफ भाग जाओ। जॉन की बात मानकर टेमी वहां से भाग जाती है और जॉन भी लंगड़ाता हुआ वहां से भागने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ पुलिस जॉन के घर में पूछताछ करने जाती है और उन्हीं में से ऑफिसर फ्रैंक जॉन की वाइफ को उसकी आवाज सुनाते हैं। यह कॉल रिकॉर्डिंग की आवाज थी और यह वही कॉल था जिसमें जॉन ने बूढ़ी लेडी के मकान से कॉल किया था और इस कॉल में जॉन ने पुलिस को अपना नाम जॉन फिल्टन भी बताया था और उसी के जरिए पुलिस जॉन के घर में पहुंची थी। कॉल रिकॉर्डिंग को सुनकर जॉनी कहती है हाँ ये मेरे हस्बैंड की आवाज है। तब वहीं खड़ी लेडी ऑफिसर लटीसा कहती है अभी अभी कुछ देर पहले आपके हस्बैंड को एक यंग लड़की के साथ बार में देखा गया था। जॉनी कहती है अगर मेरा हस्बैंड बार में किसी लड़की के साथ ऐश कर रहा होता तो वो फोन का पैसा देकर मुझे कॉल क्यों करता, ये सब बताने के लिए। फ्रैंक पूछता है क्या ऐसा कोई है जो आपके हस्बैंड को घर पर लेने आया हो। जॉनी कहती है मुझे नहीं लगता मेरे अलावा उनकी जिंदगी में कोई और लड़की है, उनके सारे दोस्त उनसे बिछड़ चुके हैं और कुछ ने उन्हें छोड़ दिया है। फ्रैंक कहता है क्या आप लोगों का बुरा वक्त चल रहा है। जॉनी कहती है हाँ हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अभी ठीक नहीं है। लसीटा कहती है अगर आपके हस्बैंड को यहाँ पर कोई लेने नहीं आया था तो उनकी गाड़ी बाहर क्यों खड़ी है और वो अपना वॉलेट फोन और सब कुछ लिए बगैर घर से क्यों चले गए। जॉनी कहती है तो क्या आप लोगों को लगता है जॉन ने उन लोगों को मारा है।
फ्रैंक कहता है ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि जॉन ने ही उन लोगों को मारा हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं जॉन चलते चलते उस घर से बहुत दूर पहुंच गया था। तभी उसे दूर से आती हुई एक पुलिस की कार दिखाई देती है और जॉन उस कार को रोकता है। गाड़ी के रुकने पर एक पुलिस ऑफिसर उस कार से उतरता है। जॉन की नजर पुलिस ऑफिसर पर पड़ती है तो वो पुलिस ऑफिसर रिची था, जिसने पुलिस यूनिफॉर्म पहन ली थी और पुलिस की गाड़ी को चुरा लिया था। रिची जॉन को देखकर कहता है हम वापस वहीं पर आ गए जहां से हमने शुरू किया था। जॉन कहता है मुझे नहीं पता तुमने उन लोगों को क्यों मार दिया। रिची कहता है चलो मेरे साथ और दोबारा मुझसे इस तरह का मजाक मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें भी गोलियों से छलनी कर दूंगा। आगे जॉन पुलिस की कैप पहनकर गाड़ी ड्राइव करने लगता है। दूसरी तरफ पुलिस उस किसान के घर पर भी पहुंच गई थी जहां से जॉन ने पुलिस को कॉल किया था। वहां पर रिची ने उस बूढ़ी लेडी की और उस पुलिस ऑफिसर की और उस बच्चे की बॉडी को उल्टा लटका रखा था। आगे जॉन गाड़ी चला रहा था तब रिची जॉन को गाड़ी रोकने के लिए कहता है और रिची जॉन से पूछता है तुम चाहते क्या हो जॉन। जॉन कहता है मैं बस चाहता हूँ कि तुम मुझे अकेला छोड़ दो। यह सुनकर रिची जॉन को गाड़ी से उतरकर जाने के लिए कहता है। जॉन गाड़ी से उतरकर जाने लगता है तब रिची उससे कहता है तुम्हें याद है ना जॉन, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे अपने घर पर इनवाइट करोगे और मुझे अपनी वाइफ से मिलवाओगे। मैं जॉनी को तुम्हारा हाय बोलूंगा। जॉन कहता है तुम्हें मेरी वाइफ का नाम कैसे पता। लेकिन रिची जॉन को बिना कुछ बताए वहां से गाड़ी लेकर चला जाता है और जॉन भी उसकी गाड़ी के पीछे भागने लगता है। आगे लटीसा जॉन के घर में जॉनी से पूछताछ करने जाती है और लटीसा जॉनी से पूछती है कि आपको पता था आपके हस्बैंड को आज जॉब से निकाल दिया गया था। जॉनी कहती है नहीं, उन्होंने मुझे नहीं बताया था। आगे लटीसा पूछती है आपको आपके हस्बैंड की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में पता है। जॉनी कहती है जी हाँ मुझे पता है, उन्होंने ऐसी एक पॉलिसी मेरे लिए भी ली है। आगे लटीसा जॉनी से सवाल करती है क्या आपने कभी ऐसा चाहा है कि आपके पति कहीं चले जाए और वापस ना लौटे। ये सवाल सुनकर जॉनी को बहुत बुरा लगता है और वो अपने बेटे के कानों को बंद करके लसीटा को खरी खोटी सुनाती है। जॉनी की बातें सुनकर लसीटा वहां से चली जाती है। तभी उसे बाहर पीटर दिखाई देता है और लसीटा उससे पूछताछ करने के लिए उसे बुलाती है। दूसरी तरफ जॉन ट्रैफिक में खड़ी गाड़ियों के पास जाकर उनके मालिक से मदद मांगता है। तभी वहां पर पुलिस उसे अरेस्ट कर अपने साथ ले जाती है। आगे ऑफिसर फ्रैंक जॉन से पूछताछ करते हैं तो जॉन कहता है मुझे इस वक्त मेरे घर पर जाने दो, नहीं तो वो मेरा परिवार खत्म कर देगा। फ्रैंक कहता है तुम रिची की बात कर रहे हो, चलो तुम हमें बताओ रिची ने तुम्हें जिंदा क्यों छोड़ दिया। जॉन कहता है मुझे नहीं पता, पता नहीं वो मुझसे क्या चाहता था। ऑफिसर फ्रैंक कहता है सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है, तुम्हारा बीता हुआ समय उधारी में गुजरा है और तुम्हें जॉब से भी निकाल दिया गया है। जॉन कहता है तो आपको लगता है कर्जे में होने के कारण मैंने इतने सारे लोगों को मार दिया। आप एक काम कीजिए, आप टेमी को ढूंढिए, वो आपको सब कुछ सच बता देगी। आगे फ्रैंक उस बार काउंटर में काम करने वाले वर्कर को बुलवाता है और उससे पूछता है क्या यही आदमी तुम्हारे बार में आया था। वो वर्कर जॉन की पहचान कर लेता है और वो कहता है हाँ इसी आदमी ने मुझे फोन करने के लिए कहा था। यह सुनकर फ्रैंक उस आदमी को वापस भेज देता है। तभी लसीटा आती है और वो फ्रैंक से कहती है मुझे एक बहुत ही ठोस बात पता लगी है, जॉन की वाइफ जॉनी का अफेयर चल रहा है जॉन के ही घर में पुल बनाने का काम करने वाले आदमी के साथ। उस आदमी का नाम पीटर है। आगे रिची एक कॉफी शॉप पर पहुंचता है। तभी उस कॉफी शॉप के बाहर एक पुलिस वाला गाड़ी लेकर आता है और रिची उस गाड़ी को देखकर उस कॉफी शॉप में काम करने वाली लेडी को, वहां पर बैठे एक बूढ़े आदमी को और वो गाड़ी वाले पुलिस वाले को कॉफी शॉप में ही मार देता है और उसकी गाड़ी लेकर जाने लगता है। और रिची पुलिस की गाड़ी से वॉकी टॉकी के जरिए पुलिस हेडक्वार्टर मैसेज भेजता है उस किलर को कॉफी शॉप में शूट कर दिया गया है, आप जल्दी से जल्दी यहाँ पर बैकअप भेजें। दूसरी तरफ पुलिस हेडक्वार्टर में जॉन के पास टेमी पहुंच जाती है और लसीटा ऑफिसर फ्रैंक से कहती है जॉन बेकसूर है क्योंकि जॉन ने हमें जो कुछ भी बताया था ये लड़की ने भी हमें वही जानकारी दी, यही लड़की वो टेमी है। तब वहां पर एक पुलिस ऑफिसर आकर फ्रैंक को बताती है अभी अभी हमें सूचना मिली है कि तीन और मर्डर हुए हैं, उनमें से एक वही रिची नाम का किलर है जिसे मार दिया गया है। यह सुनकर ऑफिसर फ्रैंक को विश्वास हो जाता है कि सचमुच रिची मारा गया। आगे टेमी और जॉन पुलिस हेडक्वार्टर से निकल रहे होते हैं। तभी उन्हें बाहर जॉन की वाइफ जॉनी मिलती है। जॉनी जॉन से पूछती है ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। टेमी कहती है मैं जॉन की मदद करने आई थी। जॉनी कहती है इसके लिए मैं आपका आभार मानती हूँ। जॉन टेमी को सॉरी बोलकर अपने बीबी बच्चों के पास चला जाता है और फ्रैंक जॉन से कहता है थोड़ी देर पहले रिची हमारे एक ऑफिसर के द्वारा मारा गया,
लेकिन जब तक मामला पूरी तरह से शांत नहीं हो जाता, हमारे ऑफिसर आपके घर के बाहर निगरानी करेंगे। आगे जॉन और जॉनी दोनों अपने घर पर होते हैं और उनके घर के बाहर दो पुलिस ऑफिसर होते हैं। तब जॉनी वहां पर पुलिस ऑफिसर की यूनिफॉर्म पहनकर आता है और वो अपनी गन निकालकर उन दोनों पुलिस ऑफिसर को मार देता है और रिची जॉन के घर का दरवाजा खटखटाता है। जॉनी डोर आई से बाहर की तरफ देखती है और पुलिस यूनिफॉर्म पहने एक आदमी को देखकर जॉनी दरवाजा खोल देती है। रिची घर के अंदर आता है और वो जॉनी से कहता है, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। ये सुनकर जॉनी रिची को घर में बुलाती है। दूसरी तरफ कॉफी शॉप में पुलिस पहुंचती है और वहां पर पुलिस देखती है कि पुलिस वाले ने रिची को नहीं मारा था, बल्कि रिची ने किसी पुलिस वाले को मारकर पुलिस तक झूठी खबर पहुंचाई थी। और पुलिस ऑफिसर समझ जाते हैं ये सब रिची ने जॉन की फैमिली तक पहुंचने के लिए किया होगा। पुलिस जल्दी से जॉन के घर पर जाने लगती है। दूसरी तरफ जॉनी रिची को ड्रिंक लाकर देती है तो रिची जॉनी से पूछताछ करने लगता है कि क्या उसे जॉन ने कुछ बताया कि क्या हुआ था। जॉनी कहती है, नहीं, उसने अभी मुझसे इस बारे में बात नहीं की है, और वो बहाना बनाकर किचन में चली जाती है। जॉनी वापस रिची के पास जाने लगती है तो वो देखती है रिची वहां पर नहीं था। तभी वहां पर जॉन भी आ जाता है और उसे बच्चों के कमरे से रिची के सीटी बजाने की आवाज आती है। तब रिची बच्चे के कमरे से बाहर आता है और रिची को देखकर जॉन बहुत डर जाता है। जॉन जॉनी को बच्चों के कमरे में जाकर देखने के लिए कहता है। जॉनी ऊपर जाकर देखती है और वो जॉन से कहती है, बच्चे ठीक है। जॉन रिची से जाकर कहता है, तुम आखिर मुझसे चाहते क्या हो, मैं पुलिस को बुलाने जा रहा हूँ। रिची कहता है, तुमने मुझे डिनर पर इन्वाइट किया था और मैं यहाँ पर डिनर करने आया हूँ और तुम्हारी वाइफ से मिलने आया हूँ। अगर जॉन तुमने घर के बाहर कदम रखा तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को खत्म कर दूंगा। तभी जॉनी नीचे आकर रिची पर गुस्सा करती है और जॉनी रिची को वहाँ से जाने के लिए कहती है। डर के जॉन कहता है, नहीं, ये कहीं नहीं जाएंगे, ये हमारे मेहमान है और ये हमारे साथ डिनर करेंगे। आगे रिची, जॉन और जॉनी तीनों डिनर कर रहे होते है और जॉनी भी रिची से डर रही होती है। तब रिची जॉनी से दूसरा धार वाला चाकू मंगवाता है और जॉनी चाकू लेने जाती है और रिची जॉनी से कहता है, जॉन तुम जानते हो आज तुमने पहली बार मुझे कब देखा था। जॉन कहता है, जब तुम मेरे दरवाजे पर आए थे। रिची कहता है, नहीं, तुमने मुझे पहली बार तब देखा था जब आज सुबह तुम अपनी कार में बैठे थे और अपनी घटिया लाइफ के बारे में सोच रहे थे। तब मैं तुम्हारी गाड़ी के पीछे से अपनी गाड़ी तेजी से लेकर निकला था और तुम्हारी नजर मेरी गाड़ी पर पड़ी थी। उसके बाद तुम उस लड़के से बात कर रहे थे जो तुम्हारे घर में काम करता है। क्या तुम पूछोगे नहीं मुझे ये सब कैसे पता। जॉन कहता है, क्योंकि तुम मेरा पीछा कर रहे होंगे। रिची कहता है, पर क्यों, मैं तुम्हारा पीछा क्यों करूंगा। तभी वहाँ पर जॉनी आ जाती है और रिची जॉनी को वहाँ पर बिठा कर कहता है, तो जॉन सोचो मैंने तुम्हारे घर का दरवाजा आज क्यों बजाया था। और जॉनी, क्या तुम जॉन को बताओगी मैंने आज सुबह दरवाजा क्यों खटखटाया और तुम्हारे घर का पीछे वाला दरवाजा क्यों खुला था और उसी वक्त तुम क्यों अपने बच्चों को लेकर घर से बाहर चली गई थी। जॉनी ये सारी बातें सुनकर जॉन से कहती है, जॉन ये क्या बकवास कर रहा है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इस आदमी को नहीं देखा है। रिची कहता है, हाँ तुमने मुझे कभी नहीं देखा है, तुमने किसी और को मेरे पास भेजा था। ये तुमसे प्यार नहीं करती है जॉन, ये तुमसे अब तक झूठ बोलती आ रही है, इसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है और ये चाहती थी कि तुम मारे जाओ। इसने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया कि मैं तुम्हें मार दूं। मैं तुम्हें आज यहाँ पर मारने आया था पर मैं तुम्हें नहीं मार पाया क्योंकि मैंने तुम्हारी आंखों में अपने परिवार को लेकर सच्चाई देखी। ये सब सुनकर जॉनी चिल्लाने लगती है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तब जॉन जॉनी को रोकता है और जॉन जॉनी का गला दबा देता है। जॉन जॉनी को छोड़ता है तब जॉनी अपने पास से चाकू निकाल लेती है और वो चाकू से जॉन को मारने लगती है पर जॉन उसके चाकू को पकड़ लेता है। तब रिची जॉन को जॉनी को मारने के लिए कहता है। जॉन जॉनी से चाकू लेकर उसे मारने वाला होता है पर वो रुक जाता है। रिची जॉन के पास में आता है तब जॉन रिची को चाकू मार देता है और जॉन और रिची के बीच हाथापाई होती है। वो दोनों लड़ते लड़ते घर से बाहर आ जाते हैं और एक दूसरे को मारने पर उतारू हो जाते हैं। तब तक वहां पर पुलिस भी पहुंच जाती है और लटीसा निशाना लगाकर रिची को मार देती है। आगे डॉक्टर जॉन को देखते हैं और ऑफिसर फ्रैंक जॉन से पूछताछ करते हैं और ऑफिसर फ्रैंक जॉन से कहते हैं, हम आपकी वाइफ से और पूछताछ करना चाहते हैं। जॉन कहता है, पर आपके पास उसके खिलाफ सबूत क्या है। ऑफिसर फ्रैंक कहते हैं, जो भी रिची ने आपको बताया था और जो आपने बयान दिया था। जॉन कहता है, पर मुझे उसकी बातों पर विश्वास नहीं। ऑफिसर फ्रैंक कहते हैं, क्या आप हमें और कोई कारण दे सकते हैं कि हम आपकी वाइफ से पूछताछ ना करें। जॉन कहता है, क्योंकि वो मेरी वाइफ है,
यह सुनकर पुलिस ऑफिसर बिना जॉनी को अपने साथ लिए वहां से चले जाते हैं। उस रात जॉन और जॉनी दोनों एक दूसरे से कोई भी बात नहीं करते और बेड पर जॉनी जॉन से कहती है, जॉन क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? जॉन कोई जवाब नहीं देता और वो रूम की लाइट बंद कर देता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों मूवी का एंड देखकर हमें ये अंदाजा लग जाता है कि रिची जॉन के पीछे क्यों पड़ा था। रिची जॉन को मारने आया था पर वो जॉन को नहीं मार पाया क्योंकि जॉन उसे एक अच्छा इंसान लगा और वो परेशान लगा। रिची की वाइफ का जॉन के ही घर में काम करने वाले पीटर से अफेयर चल रहा था और जॉन की स्थिति भी कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए जॉनी जॉन को मरवाना चाहती थी ताकि उसे जॉन के इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा मिल सके और वो पीटर के साथ अफेयर जारी रख सके। जॉन को ये सारी बातें पता चलने के बाद भी वो अपनी वाइफ के खिलाफ नहीं जाता और ना ही पुलिस को उसके खिलाफ बयान देता है क्योंकि जॉन जॉनी को छोड़ना नहीं चाहता था और वो जॉनी को एक मौका और देना चाहता था। लेकिन ये मूवी हमें एक क्वेश्चन मार्क की तरफ छोड़कर जाती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।